हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल हाइपर ट्रेड एस बी। मैं हूं मोहम्मद सुहेल। अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ पे हमारा फ्रेश बाइंग भी हुआ, उसके बाद हमारे टारगेट भी लगे, उसके बाद मेरा लास्ट जो वीडियो था ये 30 मई का मेरा लास्ट वीडियो था। इस वीडियो में मैं क्या बताया, इस वीडियो में मैं क्लियर मेंशन से ये मेंशन किया कि स्टॉक के अंदर हम लोग नो ट्रेडिंग जोन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नो ट्रेडिंग जोन। अभी 23 में है, 30 में मैं यहाँ पे अपडेट किया था आपको कि हम लोग यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन लगाएंगे। अगर स्टॉक ये लेवल ब्रेक करके भी जाएगा तो स्टॉक के अंदर फॉल होगा। अगर प्रॉपर ब्रेकआउट पे स्टॉक को ऊपर जाना है तो ये वाला लेवल पकड़ के ही जाएगा। तो मेरा सजेशन है, स्टॉक में यहाँ कहीं तक भी स्टॉक जाए एंट्री मत लो। क्यों मत लो, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ठीक है। ये है ब्रेकडाउन, एक ये है ब्रेकडाउन, ठीक है। अभी ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन लगेगा। अगर ये रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट करके ब्रेकआउट दे रहा है, तो फिर से बइंग यहाँ पे बनेगा। जो स्टॉक अभी तक दिया नहीं, इसका मतलब स्टॉक के अंदर थोड़ी रिकवरी आके फिर से नीचे गिरने वाला है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इधर ऐसा तो होना चाहिए, वरना ऐसे जाके ऐसे रिजेक्शन तो लेना चाहिए। और मैं ये वाला रिजेक्शन स्टॉक के अंदर देख रहा हूँ। क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे स्टॉक में डिविडेंड आने वाला है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डी डिविडेंड आ रहा है। अब जब स्टॉक में यहाँ पे डिविडेंड आने वाला है तो स्टॉक को फॉल करते हुए प्रीवियस ब्रेकडाउन लेवल का ब्रेकआउट बना के स्टॉक में ऊपर जाना है। तो अगर स्टॉक में फ्रेश बाइंग होगा तो फ्रेश बाइंग 5192 यहाँ पे होगा, या तो इसके नीचे यहाँ पे 4962, ये दोनों के इन बिटवीन बाइंग बनेगा। इसके अलावा स्टॉक के अंदर बाइंग नहीं बनेगा। मैं यहाँ पे आपको बाइंग भी लिख के जा रहा हूँ, ठीक है, बइंग भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ। इन लेवल के बीच में ही बइंग बनेगा, ठीक है, यहाँ पे। इसके अलावा स्टॉक में बइंग कहीं पर भी नहीं है। अगर स्टॉक बइंग देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग कंटिन्यू करते हुए, इम्प्रॉपर डिविडेंड ओवरबॉट बइंग जाते हुए, फाइनल क्लबिंग के साथ स्टॉक में सेलिंग देखने को मिलेगा। अभी डिविडेंड आने के लिए काफ़ी समय है, तो स्टॉक पहले फॉल करेगा, उसके बाद स्टॉक के अंदर रैली देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा स्टॉक के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो मैं सजेशन करूँगा अभी के लिए अवॉइड करिए जो मैं लेवल बता रहा हूँ। अगर वो लेवल देखने को मिले तो ही एंट्री करिए, वरना आप एंट्री मत करिए। यही था मेरा एनालिसिस ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ पे। अगर आपको स्टॉक पे एनालिसिस समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।